यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। पटाखे नहीं जलाने, दिवाली एक साथ मनाएंगे। इस बार दिवाली के लिए हम अलग इंतजाम कर रहे हैं। दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे। मैं अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली में एक जगह लक्ष्मी पूजन शुरू करूंगा 7:39 पे। कुछ टीवी चैनल उसका सीधा प्रसारण करेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं, दिल्ली के मेरे सभी भाइयों बहनों, मेरे सभी दिल्ली परिवार के लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग उस वक्त अपना टीवी ऑन करके अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ मिलके बैठ के हम साथ वहां पे पंडित जी मंत्रोच्चारण करेंगे और आप उसके साथ साथ अपने अपने घर में लक्ष्मी पूजन करें। और भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। पटाखे नहीं जलाने, दिवाली एक साथ मनाएंगे। इस बार दिवाली के लिए हम अलग इंतजाम कर रहे हैं। दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे। मैं अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली में एक जगह लक्ष्मी पूजन शुरू करूंगा 7:39 पे। कुछ टीवी चैनल उसका सीधा प्रसारण करेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं, दिल्ली के मेरे सभी भाइयों बहनों, मेरे सभी दिल्ली परिवार के लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग उस वक्त अपना टीवी ऑन करके अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ मिलके बैठ के हम साथ वहां पे पंडित जी मंत्रोच्चारण करेंगे और आप उसके साथ साथ अपने अपने घर में लक्ष्मी पूजन करें।